दूसरे की कॉपी ज़्यादा करते रहेंगे तो खुद की पहचान नहीं बनेगी। जब पब्लिक की तालियां बजनी शुरू होती हैं तो अपने आप फिर कॉमेडी निकलनी शुरू हो जाती है। मैं लाइव शो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। आज हमारे साथ हैं कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव। राजू जी, बहुत स्वागत है टीवी में आपका। सबसे पहला सवाल कि राजू श्रीवास्तव यानी कॉमेडी और कॉमेडी यानी राजू श्रीवास्तव, कभी ऐसी जो पहचान जो बन गई है उससे तकलीफ होती है? नहीं नहीं, अच्छा लगता है। तो ईश्वर की कृपा है, लोगों का इतना प्यार मिलता है और हम तो इतना नहीं समझते। आपने इतना हमारे लिए अच्छा बोला, बहुत बहुत आपको थैंक यू। मैं तो ये कहूँगा कि जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। राजू जब एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और हमने सुना है कि आप पहले से ही बच्चन के काफ़ी फैन रहे और आप एक्टिंग में आना चाहते थे और बाद में ये कॉमेडी का हो गया, जर्नी के बारे में क्या बताएंगे संक्षिप्त में? बिल्कुल, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। शुरू में जब मेरा चाइल्डहुड था तो मैं बच्चन की फिल्में बहुत देखता था, और उनकी तरह नकल करना, बोलना, ये दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, वो सब अग्निपथ वगैरह बहुत सब फिल्म देखता था। तो सब मुझे उस टाइम पे जूनियर जूनियर ही बोलते थे। तो बाद में मुझे समझ में आया कि अगर दूसरे की कॉपी ज़्यादा करते रहेंगे तो खुद की पहचान नहीं बनेगी। फिर उसके बाद से फिर मैंने अपने आइटम बनाने शुरू किए, फिर उसमें गजोदर भैया करके क्रिएट हो गया और लोगों ने पसंद कर लिया। जी, आपकी कौवा बिरयानी से लेके वो अभी तक हम लोग खा रहे हैं। अच्छा सर, खास करके कई बार ऐसा होता है कि जब मैंने पहले ही दर्शकों को बताया कि पहचान जुड़ जाती है कि कॉमेडियन, ग्रेट कॉमेडियन, कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे प्रसंग में जाते हैं कि लोग कुछ भी बोलते हैं कि यार ये करके दिखा वो कर, कभी ऐसी घटना हुई है कि कई एकदम ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि फिर इसको क्या जवाब दें, ऐसा कभी होता है? हाँ, बहुत बार हुआ। मैं राजेश खन्ना जी की डेथ में गया था, उनकी शव यात्रा में, तो वहाँ काफ़ी लोग साइड में बुला के, अरे कुछ सुनाना है यार, कुछ बताना है यार। अब लोगों का प्यार है, क्या करें, लेकिन टाइम ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे कुछ ह्यूमर कर सके। लेकिन ठीक है, हमको ऊपर वाले ने यही ड्यूटी दिया है तो उसको निभाना चाहिए, है ना। मेरा तो ज़िंदगी का एक ही फलसफा है कि कभी भी चाय में गिरे हुए बिस्किट को दूसरे बिस्किट से उठाने की कोशिश मत करना, दूसरे से भी जाओगे। जब पब्लिक की तालियां बजनी शुरू होती हैं तो अपने आप फिर कॉमेडी निकलनी शुरू हो जाती है। मैं लाइव शो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ।